सर ऐसा काम कहाँ से ढूंढेगी जहाँ हमें तो खुद ही देखना होता है। ऐसा कोई है नहीं जिसे कुछ भी नापसंद ना हो। शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। ये नहीं पता होगा तुम्हें कि तुम्हें क्या पसंद है, इतना तो पता है क्या नापसंद है। बस ये बता दो जो नापसंद है उसमें क्यों फंसे रहते हो। मान लिया कि तुम्हें नहीं पता कि वो काम कहाँ है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है बिल्कुल, पर ये तो पता है ना कि क्या क्या तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है, तो क्या मजबूरी है कि उसमें घुसे रहते हो। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना कि जगह बनाओ। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान तो तुमने उन सब जगहों को, लोगों को और कर्मों को दे रखा है जो तुम्हें कुछ विशेष पसंद नहीं। अब बताओ कि जो तुम्हारी पसंद है वो जीवन में उतरना भी चाहे तो उसके लिए स्थान कहाँ पाएगी। तुम्हारा सारा स्थान तो घिरा हुआ है। और उसको खाली करोगे तो ऐसा नहीं कि तुमने खाली किया और वो आ ही जाएगी। आने में कुछ समय लग सकता है, उतने समय तक धैर्य रखना होता है, चुपचाप प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा करनी होती है। तब तुम कहोगे यार देखो पुराना गंवा दिया, नया अभी आ नहीं रहा, चलो वापस पुराने की ओर। ऐसा ही होता है। और फिर तुम्हें प्रमाण भी मिल जाता है। तुम कहते हो ना एक बार छोड़ा था, छोड़ तो दिया, नया कुछ मिला नहीं, अब दोबारा नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत बांधी बहुत, छोड़ ही दिया तो छोड़ के फिर घड़ी देखने लगे, एक घंटा बीत गया छोड़े हुए, अभी रिप्लेसमेंट तो आया नहीं। और जो छोड़ा था उसको फिर बहुत दूर जाने भी नहीं देते कि कहीं नया ना आए तो जल्दी से जाके पिछले वाले को पकड़ ही ले कि गलती से छूट गए हो भाई, चले मत जाना। तो बिल्कुल ही कुछ ही करने का मन ना करे तो मत करो, कोई बाध्यता थोड़ी है कि बहुत कुछ करना ही है। तो सर खाना पीना जीना इतने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, करोगे फिर खुद ही करोगे। महा आलसी अजगर भी कुछ कर ही लेता है, फिर जब पेट पे पड़ेगी तो कुछ करोगे ही, पर बस वो मत करना जो नापसंद हो। पेट तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए तुमको जीवन बेचना पड़े। किसी का पेट इतना बड़ा नहीं होता कि जिंदगी बेच करके पेट चला रहे हैं। कितना चाहते हो, कितना तुम्हें अर्जित करना है? लोग जितना जितना कमा रहे हैं तुम्हें क्या लगता है उतनी की उन्हें जरूरत है? लोग जितना उपभोग करते हैं उसका 3 गुना वो छोड़ के जाते हैं पीछे, और जितने का उपभोग करते हैं वो भी अधिकांशतः वह होता है जो उन्हें चाहिए नहीं, देखा देखी उपभोग करे जा रहे हैं। तुम्हें वास्तव में जितना चाहिए वो उसका एक बहुत छोटा अंश है, जितना तुमने मानसिक तौर पे अपने आप को सहमत कर लिया है अर्जित करने के लिए। हर पसंद और नापसंद हमारे संस्कारों से ही आ रही है, तो अगर हम नापसंद को छोड़ते चले गए तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो जरूरी है वो भी छूट जाए। जो जरूरी है छूट सकता नहीं ना, जो जरूरी है वो तुम हो, जो जरूरी है उसको छोड़ सकते नहीं।
जब तक छूट रहा है तब तक जरूरी नहीं है, यही तो कसौटी होती है। जो छूट जाए उसको मान लेना कि इसका छूटना ही भला, भला वही जो छूट सकता ही ना हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उसी को तो प्रेम कहते हैं ना। जो टूट सके उसका टूटना भला, जो छूट सके उसका छूटना बेहतर। असली वही जिसको तुम बार बार कोशिश करके भी छोड़ ही ना पाओ। जरूरी कैसे छोड़ दोगे, छोड़ के दिखा दो। सांस लेना छोड़ सकते हो, जो वास्तव में जरूरी है उसको नहीं छोड़ पाओगे। वो सार है तुम्हारा, सत्व है। तो पसंद क्यों नहीं आता, क्योंकि वो पसंद आ नहीं सकता। इसलिए नहीं कि वो नापसंद होता है, बल्कि इसलिए कि पसंद और नापसंद के बाहर की बात है। उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से तुम बाकी सब कुछ पसंद नापसंद करते हो। उसको थोड़ी पसंद नापसंद कर लोगे। मन आत्मा से संचालित होकर के पूरी दुनिया में पसंद और नापसंद का भेद करता है, पर मन आत्मा को पसंद या नापसंद थोड़ी कर सकता है। तुम अगर कुछ कह रहे हो कि कुछ है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से तुम मन की ही किसी कृति की बात कर रहे हो। आत्मा मन की पकड़ में ही नहीं आती तो उसे नापसंद कैसे कर लेगा, आत्मा मन की पकड़ में ही नहीं आती तो उसे पसंद कैसे कर लेगा। सत्य पसंद भी नहीं हो सकता और नापसंद भी नहीं, ना उसमें तुम्हारी अरुचि हो सकती है ना रुचि, ना वो सुंदर होता है ना कुरूप। जिसमें श्रद्धा रखी जाती है उसके ऊपर निर्णय नहीं किए जाते कि सुंदर है कि असुंदर, कुरूप है कि सुरूप। श्रद्धा का, सम्मान का मतलब ही यही होता है कि यहां पे हमारी पसंद नापसंद नहीं चलती, यहां बस सर झुकाना होता है। तुम तो ऐसे अहंकारी हो कि आत्मा को भी चाहते हो कि पसंद करें। जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके साथ ये धृष्टता करनी ही नहीं चाहिए कि तुम उसके निर्णेता बनो बैठो। सत्य को, आत्मा को, गुरु को नापसंद नहीं किया जाता, पसंद भी नहीं किया जाता। कोई कहे ब्रह्म कैसा है तो तुम कहोगे बहुत अच्छा, मूर्खतापूर्ण बात है। उतनी ही मूर्खतापूर्ण बात है कहो बहुत बुरा। ना अच्छा है ना बुरा है, उनके बारे में हम क्या कहें, हम होते कौन है कुछ कहने वाले, हम हैं कौन की कुछ कह दें। कुछ कहना अतिक्रमण होगा, कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। कहिए। क्या सर पर्पस जरूरी नहीं है कि एवरीबॉडी मूविंग इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज दिस वर्ल्ड विल कोलैप्स, एवरीथिंग विल कम एट अ पॉइंट। देखिए जैसी ये दुनिया है तो ये तो पर्पस से ही चल रही है, पर जैसी ये दुनिया है ये चल ही इसलिए रही है क्योंकि ये संतृप्त है, दुखी है।
आप कितने लोगों को देखते हैं जो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मौज में हैं, लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें समाधान चाहिए। ये पूरी दुनिया वैसे चल रही है कि जैसे किसी चिकित्सक के सामने रोगियों की कतार लगी हो और कतार चल रही हो, चल रही होती है ना वहाँ भी, पर चल ही इसीलिए रही है क्योंकि दुखी है और उसे चिकित्सा चाहिए। बात समझ रहे हैं? आपको इस तरह का चालन कायम रखना है। बोलिए, चल तो सब रहे हैं पर ये भी तो देखिए ना कि क्यों चल रहे हैं, किस बिंदु से चल रहे हैं, चलने की अभिप्रेरणा क्या है। शमशान की ओर अर्थी ले जाते लोगों को भी देखिएगा, चल रहे होते हैं कि नहीं, उनके चेहरे देखे हैं, चेहरे देखे हैं, और सुबह 8:30 बजे ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों के चेहरे देखिएगा, दोनों चल रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मुझे दोनों कोटि के चेहरों में कोई विशेष अंतर नजर नहीं आया। चल तो रहेंगे दोनों, दोनों शमशान की ओर जा रहे हैं, दोनों के पास लाशें हैं, बल्कि जो शमशान की ओर जा रहे हैं वो कम दुखी हैं क्योंकि लाश किसी और की ढो रहे हैं। जो ट्रैफिक में रोज सुबह दफ्तर की ओर जा रहे हैं वो ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो अपनी ही लाश लेके दफ्तर जा रहे हैं। चलने में क्या रखा है? लोग खूब कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, न चले तो बेहतर है। चलेगी ऐसे नहीं चलेगी, चलेगी ऐसे नहीं चलेगी। श्रद्धा रखिए कि चलने का सुंदर सत्यपूर्ण वैकल्पिक तरीका हो सकता है। हम सब ने आस्था बिल्कुल खो दी है, हम कहते हैं कि संसार जैसा है ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं संभावना है। आप क्यों इतने निरुत्साह हुए जाते हैं? आपको क्यों लगता है कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं इसके अतिरिक्त तो और कुछ हो नहीं सकता? आपको क्यों लगता है कि दुनिया में जैसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, दुनिया को बाध्यता है उन्हीं पे चलने की? जीवन बदल सकता है, संस्थान बदल सकते हैं, संबंध बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, सब बदल सकता है, सब कुछ नया हो सकता है, नया सुंदर। ये संसार ऐसे चल रहा है, एक व्यक्ति की चाल बदलती है, पर संसार तो वैसे ही चल रहा है। घर्षण होगा फिर क्या? संसार उस व्यक्ति के लिए उसी क्षण वैसा चलना बंद हो जाता है जिस क्षण वो व्यक्ति बदलता है। व्यक्ति और संसार दो मूलतः भिन्न इकाइयां नहीं हैं। मेरे लिए संसार जैसा चल रहा है वैसा आपके लिए नहीं चल रहा, क्योंकि मैं और आप, तो जब आप ही उससे अलग हो जाओगे जो आप अभी हो, तो क्या संसार आपके लिए वैसा ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है? अगर अभी आपके और मेरे लिए संसार अलग अलग है, तो आप भी जब अलग हो जाओगे तो आपके लिए भी संसार अलग हो जाएगा ना। तो अभी बैठे बैठे ही कल्पना करना कि घर्षण होगा और संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं है ऐसा। आप बदलो, संसार बदलता है। आप बदलो, आपके मन में संसार के जो मायने हैं वो बदलते हैं। संसार बहुत हद तक आपकी प्रतिछवि है। बहुत हद तक या पूरी पूरी? पूरी पूरी कह दूंगा तो आपको ये लगेगा कि आप संसार का जो रूप देखना चाहते हो वैसा ही आप अपने आप को कर लो, तो संसार आपकी इच्छा अनुसार चलना लगेगा। तो इसीलिए कहने से बचता हूं, क्योंकि ये बात भी खूब कही जाती है। समसामयिक अध्यात्म में एक ये प्रपंच भी तो खूब चल रहा है ना,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि, कि तुम जो चाहते हो संसार तुम्हें वही दे देता है वगैरह वगैरह। तो आप उस चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए नहीं कहता। लेकिन सर अगर हम किसी से हंस के बात कर रहे हैं तो अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है, हाँ, मेरा प्रेम से जा रहे बात, हाँ, तो 99% बात, चाहे आप एक अजनबी से बात कर रहे हो, चाहे अपने जानने वाले से बात कर रहे हो, हाँ, तो वो चीज बदल तो जाती ही है। देखिए दो बातें हैं, एक तल पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सामने वाला क्रोधित है, मैं अगर शांत भी हो गया तो भी वो क्रोधित तो है ही, मेरे शांत होने से उसका क्रोध शांत नहीं हो जाएगा। आपको दिख ही रहा होगा कि बात ऐसी नहीं है, तो इस तल का तर्क तो खारिज हो जाता है। ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे वो तो गुस्सा ही है, मैं शांत हो गया तो फायदा क्या होगा, नुकसान और हो जाएगा, मेरे पर चढ़ बैठेगा। आपको अच्छे से पता ऐसा नहीं होता, आप शांत होते हो तो सामने वाले पर फर्क पड़ता है। दूसरे तल पे वो लोग आते हैं जो कहते हैं अगर मैं शांत हो गया तो सामने वाला भी अनिवार्यतः शांत हो जाएगा, क्योंकि शांति तो शांति को आकर्षित करती है। ये लोग भी धोखे में हैं, क्योंकि ऐसा भी होगा कि आप शांत हो गए लेकिन सामने वाला क्रोधित ही रहा, उसने आपको शांत देख करके एक थप्पड़ और मार दिया, तो ये लोग भी धोखा खाएंगे। लेकिन ये जो दूसरे तल के लोग हैं ये पहले तल के लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि इन्होंने कम से कम इतना माना कि आपकी शांति सामने वाले पर कुछ प्रभाव डालती है। इन्होंने इतना तो माना कि आप और संसार दो मूलतः भिन्न इकाइयां नहीं हैं। तो ये दूसरे तल के लोग पहले तल के लोगों से बेहतर हैं। एक तीसरा तल भी होता है, तीसरा तल ये होता है कि मैं शांत हो गया ना, अब सामने वाला कुछ भी करता रहे, चाहे गुस्सा दिखाए या शांति, मैं तो शांत हो गया, बस हो गया, और क्या बदलाव चाहिए। ये तीसरा तल वास्तविक है, ये नहीं देखता कि मेरे शांत होने से सामने वाले पे कोई असर पड़ता है या नहीं। ये कहता है आखिरी बात यही थी कि मैं शांत हो जाऊं और मैं तो शांत हो गया, अब इसके आगे अब बचा क्या। शांत होने के बाद अब मैं देखूंगा ही क्यों कि सामने वाला मेरे ऊपर क्या नजरिया रखता है। जो भी वो नजरिया रखता होगा वो उसका नजरिया है, उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी आंतरिक शांति तो अक्षुण्ण रहेगी। फिर भी रख दिया सर मुझे, फिर भी वो मतलब हम पे आक्रमण कर दे या फिर वो तुम पे आक्रमण कर सकता है, वो उसकी बात है। तुम्हारी जो आंतरिक शांति है वो कायम है ना, जब उसने आक्रमण कर भी दिया तब भी। तुम्हारी जो धारा है वो अविच्छिन्न है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तुम यहां बैठे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, यहां पीछे खरगोश है, वो आके तुम पे आक्रमण कर दें, तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। एक खरगोश है, वो आता है, वो पीछे से तुम्हारे ऊपर पीठ पे ऐसे, तुम्हारा सुनना बंद हो जाता है। अगर खरगोश के आघात से तुम्हारी शांति भंग नहीं होती तो क्या ये संभव नहीं है कि हाथी के आघात से भी ना भंग हो। अभी सुनने में थोड़ा सा अवास्तविक लगेगा, पर क्या ऐसा हो नहीं सकता, बोलो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है ना। वो तीसरा तल है जहां आप कहते हो मैं तो हो गया शांत, अब वो गुस्सा करता है तो करता रहे। ऐसा नहीं कि हमें उसे गुस्से का पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि हम उसके गुस्से पर किसी तरह का कोई उत्तर नहीं देंगे। हम देंगे पर शांत रहते हुए देंगे, शांत रहते हुए देंगे। तो ये भूल मत करना कि तुम बदलोगे तो जग बदलेगा नहीं। ये भूल भी मत करना कि जैसा तुम बदलोगे जग ठीक वैसा बदल जाएगा। ये पहले और दूसरे तल की बातें हो गई, तुम तीसरे पर रहो। तीसरे पे तुम कहते हो हम बदल गए और यही तो आखिरी बात थी, अब जग जैसा हो रहे। चींटी आके हमारे पर चढ़ती हो, चढ़ जाए, चढ़ी रही होंगी, यहां बैठे हो किसी किसी पर चढ़ी गई हो, क्या पता। खरगोश आके ऐसे पांव रख देता है, क्या फर्क पड़ता है। शांति इतनी गहराती जाएगी, इतनी गहराती जाएगी कि एक दिन बगल में हाथी भी खड़ा होगा। तो
तो सर किसी पर आक्रमण करेंगे तो फिर शांति कैसे, मतलब जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया, उसको थप्पड़ मार दिया वापस, कोई छोटा बच्चा तुमको थप्पड़ मारता है ना, तुम पलट के मार देते हो थप्पड़ से, बस हो गया। जब छोटे बच्चे के साथ शांति की इतनी गहराई रख सकते हो कि ये मुझे थप्पड़ मार रहा है तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं भी इसे थप्पड़ मार दूँ, तो उसी तरीके से दूसरों के साथ क्यों नहीं रख सकते। यही तो तुम्हारे बड़प्पन का सूचक है ना, यही तो बताता है कि तुम कितनी प्रौढ़ता, कितनी वयस्कता पा चुके हो। अगर तुम्हारे लिए अभी भी ज़रूरी है कि तुम्हें किसी बच्चे ने मार दिया और तुम पलट के मार रहे हो तो तुम अभी बच्चे ही हो, मानसिक रूप से विकलांग। और अगर तुम ऐसे हो गए कि कोई तुम्हें मारे और तुम कहो बच्चा है, इतना भी ना कहो, भीतर से तुम वो जोर ही अनुभव ना करो कि तुम्हारा हाथ प्रतिहिंसा में उठ जाए, तब जानना कि अब तुम में वयस्कता आई, मैच्योरिटी। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू रिएक्ट। ये तीसरा तल है, यहां आप अपने मालिक हो, यहां पे स्थितियां आपसे कुछ करा नहीं सकती जबरदस्ती। अब वो होगा जो आत्मा से उठता है, अब वो नहीं होगा जो आपको संसार निर्देशित करता है।